फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी होममेड पर। आज हम ऑर्गेनिक नीम एलोवेरा सोप बनाएंगे। यह गर्मी और बरसात के मौसम के लिए बेहतरीन सोप है। इसके लिए मैंने 400 ग्राम्स ग्लिसरीन बेस छोटे पीसेस में नाइफ की हेल्प से चिप किया है। देखिए, ये मैंने चिप करके रख लिया है। इसमें हमें लेना है नीम पाउडर। ये नीम पाउडर मैंने घर पर ही नीम की पत्तियों को धोकर और सुखाकर फिर इनको ग्राइंडर में पीसकर बनाया है। पीसने के बाद मैंने इनको एक महीन छलनी से छानकर बिल्कुल फाइन पाउडर, देखिए, ये रेडी किया है। अगर आप घर पर नहीं रेडी करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये एलोवेरा लीव्स होती हैं, ये मैंने एलोवेरा का थोड़ा सा जेल अभी अभी निकाला है। और ये है विटामिन ई कैप्सूल एवियन कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये देखिए, हम इसे डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट करेंगे। मैंने ये कंटेनर में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर हम कोई भी बर्तन ऐसे करके रख लेंगे और उसमें अपना चिप किया हुआ सोप बेस डालेंगे। मैं आपको एलोवेरा जेल और निकालना दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम कोई भी एलोवेरा की कोई भी पत्ती लेंगे ऐसे, और फिर इसको थोड़ा सा कट करके, ये इसके साइड में ऐसे कांटे होते हैं, इन कांटों को हम इस टाइप से करके ये हटा देंगे। ये देखिए, ऐसे ही इसकी दूसरी साइड का भी, और इसकी अपर लेयर हम नाइफ की हेल्प से इस टाइप से करके हल्के हल्के हटा देंगे। ये देखिए, और इसको हम एक प्लेट में रखकर नाइफ से बहुत हल्के हल्के इस टाइप से करकर इसको आगे को, ये देखिए, इसका सारा जेल स्मूथ वे में निकल के आ जाएगा। ये देखिए, आपको जितना जेल चाहिए आप उसी हिसाब से उतनी लीव्स लेकर आप निकाल सकते हैं। देखिए, हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब इसके ऊपर हम कोई भी कंटेनर रखेंगे, स्टील का बर्तन कुछ भी रख सकते हैं आप। और ये चिप किया हुआ अपना 400 ग्राम सोप बेस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अभी अपने आप ही हीट से धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग माइक्रोवेव मेल्टिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर द फर्स्ट टाइम इसको माइक्रोवेव में 60 सेकेंड्स के लिए रखना है बेस को, फिर आपको 30-30 सेकेंड्स करके इसको मेल्ट करना है। एक बार में आप इसको लंबे टाइम के लिए नहीं रखेंगे माइक्रोवेव में, अदरवाइज वो ओवरफ्लो हो जाएगा। देखिए, 1 मिनट में इतना मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें अपने ये इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे और ये मेल्टिंग होती रहेगी। 400 ग्राम्स में मैं 4 टीस्पून नीम पाउडर ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल, ये लगभग 2 टीस्पून एलोवेरा जेल। विटामिन ई कैप्सूल्स 2 कैप्सूल्स ऐड कर लिए हैं इसमें। 400 ग्राम्स में मैं 2 कैप्सूल्स ऐड करूंगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे और अभी ये इटसेल्फ ये मेल्ट हो जाएगा। नीम सोप इज एंटी बैक्टीरियल, गुड फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन। और एलोवेरा तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, इससे रिंकल्स रिड्यूस होते हैं स्किन के। जब मेल्टिंग हो जाएगी तो इसके बाद इसके अंदर मैं टी ट्री ऑयल ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, ये 4-5 मिनट्स में हमारी मेल्टिंग इसकी हो गई है। मैं अब इसकी हीट बंद कर रही हूँ और इसमें मैं टी ट्री ऑयल ऐड कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल एंटीबैक्टीरियल सोप बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं अपना मनपसंद। ये देखिए, इस टाइप से सोप मोल्ड्स आते हैं, या आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, आप वो भी ले सकते हैं। आप किसी में भी सोप बना सकते हैं इजीली, डिफरेंट शेप्स के सोप बन जाएंगे।
अब मैं इनमें रबिंग एल्कोहल स्प्रे कर रही हूँ जिससे सोक्स ऊपर से क्लियर हो जाए। रबिंग एल्कोहल मीन्स आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखिए ये स्प्रे करते ही सारा बबल इसका डिसअपियर हो जाता है। अब ये लगभग एक घंटा लेंगे सेट होने में। एक घंटे बाद हम इनको अनमोल्ड करेंगे और इनको आपको हिलाना नहीं है। जहाँ आपने इनको पोर करके रखा है आपको इनको एज इट इज़ ही रखना है। फ्रेंड्स लगभग एक घंटा हो गया है और हमारे ये सोप्स रेडी हैं। देखिए हमें टच करके देखना है हार्डनेस में आ गई है। अब देखिए ये बोल्ड हम हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और हमारा सोप बाहर आ जाता है। इसको हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है। जो हमने ये प्लास्टिक कंटेनर लिया था ये देखिए ऐसे स्ट्रेच करके और थोड़ा टैप करेंगे। ये हमारा प्लास्टिक कंटेनर में बना हुआ सोप है। देखिए कितना अमेजिंग सोप हमारा रेडी है। हमने बहुत कम सामान से घर पर ही नेचुरल सोप्स बनाए हैं विदाउट एनी केमिकल। ये सारे सोप्स केमिकल फ्री हैं, इनमें कोई कलर नहीं है। प्लस ये आपकी स्किन के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये कितना अच्छा सोप है। अगर आप इसमें नीम पाउडर नहीं डालना चाहते, इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो आप नीम लीव्स का जूस निकाल कर थोड़ा सा वो डाल सकते हैं 4 टीस्पून, तो भी आपका सेम प्रोडक्ट रेडी होगा। फ्रेंड्स इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हेल्दी होममेड और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इट्स योर होस्ट सोमना। टेक केयर। बाय बाय।